हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बाला फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक लोकल टीवी आया है बनने के लिए, तो चलिए सबसे पहले आपको टीवी स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों, हम टीवी को में सप्लाई दे रहे हैं, टीवी हमारा स्टार्ट हो गया। देखिए, सप्लाई आ गया है और टीवी भी दोस्तों हमारा स्टार्ट हो गया है। और इसमें दोस्तों पिक्चर और लिखावट साफ नहीं आ रहा। देखिए, धुंधला हो गया और पिक्चर इस किस्म का आ गया, साफ पिक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है, और धुंधला हो गया है इसका स्क्रीन। अब दोस्तों हम इसमें ए वी कोड लगाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा पिक्चर चलता है कि नहीं। ये देखिए, हम ए वी कोड लगा रहे हैं, तो देखिए पिक्चर तो हमारा आ रहा है, पर पिक्चर में दोस्तों न लिखावट नज़र आ रहा है, न पिक्चर साफ आ रहा है, साइडो का प्रॉब्लम है, पिक्चर पूरा धुंधला नज़र आ रहा है, ठीक है, यही इसमें बीमारी है दोस्तों। तो चलिए टीवी को हम बंद करते हैं और सबसे पहले हम टीवी को खोलेंगे या चेक करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए पर टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी बटन को टच कर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम टीवी को खोल दिए हैं और चेक क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस किस्म के आवर में टीवी का जो पिक्चर ट्यूब का जो बेस होता है वह खराब हो जाता है, अन्यथा 180 वोल्ट में हमारा खराबी आता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले 180 वोल्ट जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन से आउटपुट निकलता है उसी को चेक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हम वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो 5 वोल्ट और 180 वोल्ट हमारा वीडियो सेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो चलिए टीवी को कर लेते हैं स्टार्ट, और टीवी हमारा दोस्तों स्टार्ट हो गया है। अब चलिए हम इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हीटर का वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा हीटर का वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है और ये हमारा नेगेटिव है। इस पर दोस्तों हमको 180 वोल्ट मिलेगा। तब डीसी मीटर को एसी डीसी मोड में सेट कर दिए हैं और ये देखिए दोस्तों हमारा 180 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यह वोल्टेज दोस्तों जैसे कम बेसी हो रहा है, 100, 50, 70, 80, 90 यही हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा साफ डिक्लियर हो गया कि हमारा जो कंडेंसर है, कैपेसिटर हॉरिजॉन्टल 180 वोल्ट में लगा हुआ है, वह कैपेसिटर ख़राब है। हम डायरेक्ट जाकर वह कैपेसिटर बदलेंगे दोस्तों और कुछ चेक नहीं करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको चेक करेंगे फिर वोल्टेज, ठीक है। तो 180 वोल्ट का जो सप्लाई हमारा यहाँ पर देखिए है और यही कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर को दोस्तों हम बदलेंगे। तो चलिए इस कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं। तो सप्लाई को हमने बंद कर दिया है और इसका पिन दोस्तों हम छटका देते हैं ताकि कीट उलट कर चेक करने में हमें सुविधा हो। देखिए, इस कैपेसिटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लिए हैं और यह कैपेसिटर दोस्तों हमारा खराब हो चुका है, देख लीजिए साफ। देखिए यह लीक दिखा रहा है, पूरी तरह कटा हुआ है, तूतिया वगैरह सब लग गया है इसमें। तो चलिए हम इसके जगह पर नया कैपेसिटर लगाएंगे और यह कैपेसिटर दोस्तों हमारा है 1 μF 450 वोल्ट का, ठीक है। तो इसके जगह दोस्तों यहाँ पर 180 वोल्ट रहता है, तो हम 250 वोल्ट का कोई भी कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है, 450 वोल्ट नहीं लगाएंगे हम। तो हम जो कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं दोस्तों, वह देखिए 4.7 μF 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये देख लीजिए। सेम हम यही कैपेसिटर इसमें डालेंगे और यह कैपेसिटर का नेगेटिव पिन है और इधर भी दोस्तों नेगेटिव है, ये साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे। तो दोस्तों अब उस लगाने के बाद हम इसका वोल्टेज फिर चेक करेंगे कि वोल्टेज स्थिर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो या भूल चूक हो तो क्षमा करेंगे, और किसी प्रकार के आपके कोई मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो फालतू का जो पिन रह गया है इसको हम काट के निकाल देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर
कि हमारा 180 वोल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए दोस्तों, हम इस टीवी में सप्लाई देते हैं और देने के बाद दोस्तों अब 180 वोल्ट हम चेक करेंगे। तो सप्लाई हम दे दिए हैं और ये रहा हमारा मीटर, और ये इस पर दोस्तों देखिए वोल्टेज हमारा 180 वोल्ट आया कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा 190 वोल्ट आ गया है, क्लियर हो गया है यार। अब इस टीवी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको हम स्क्रीन दिखाते हैं। तो थोड़ा सा इसका लाइट कम हो गया है, तो हम इसका लाइट बढ़ा लें। चलिए दोस्तों, स्क्रीन देख लीजिए, देखिए ठीक है। अब सामने से दोस्तों आपको पिक्चर चला के दिखाते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, हम टीवी को सामने कर दिए हैं, अब हम टीवी में सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई दे दिए हैं और टीवी भी हमारा दोस्तों स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए ठीक है। अब इसमें दोस्तों धुंधला पिक्चर नहीं हो रहा है। अब चलिए हम इसमें ए वी कोड लगाते हैं और दिखाते हैं कि अब पिक्चर इसका आ रहा है कि नहीं। ये देखिए पिक्चर और लिखावट दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया है यार टीवी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चैनल चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए सभी चैनल पर दोस्तों यह क्लियर पिक्चर और इसका लिखावट भी सब साफ हो गया आ गया, ठीक है। तो यह टीवी दोस्तों पूरी तरह ठीक हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।